आईपीएल का 23वां मैच पंजाब और हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मैच में पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर हैदराबाद को पहले बैटिंग करने के बुलाया। हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत करी। ट्रेविस हेड ने 15 बॉलों में 21 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन इसके बाद हैदराबाद की टीम डह गई। लेकिन नीतीश रेड्डी ने हैदराबाद की पारी को संभाल लिया। नीतीश रेड्डी ने 37 गेंदों में 64 रन की पारी खेली, जिसमें 5 छक्के शामिल थे। नीतीश रेड्डी की पारी चलते हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 122 रन का टारगेट खड़ा किया और पंजाब के लिए इस मैच में अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट निकाले। आगे के मैच के बारे में बात करूं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ही आईपीएल के पूरे मैच की जानकारी मिल सकती है और आपको सभी आईपीएल मैचों की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। 122 रन के लक्ष्य को पीछे करने के लिए पंजाब की ओर से शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो ने पारी की शुरुआत करी, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी शुरुआत में ही आउट हो गए और टीम के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और इनके बाद में पंजाब की बाकी टीम भी डह गई। लेकिन एक बार फिर से इस मैच में आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया। दोनों ने आखिरी बॉल तक मेहनत की और आखिरी बॉल तक टीम को जिताने की कोशिश की। शशांक सिंह ने इस मैच में 25 गेंदों में 6 रन की पारी खेली। इसके साथ ही आशुतोष शर्मा ने 15 गेंदों में 3 रन की पारी खेली। लेकिन इसके बाद भी पंजाबी टीम 20 ओवर में 180 रन बना सकी और पंजाबी टीम यह मैच 2 रन से हार गई। हैदराबाद के लिए नीतीश रेड्डी ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन दिखाया, जिसके लिए नीतीश रेड्डी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें और चैनल को शेयर जरूर कर दें।